ये कांस्टेंट मोशन का बहुत ही यूज़फुल प्रॉब्लम है पाथ फाइंडर का पेज 4.19 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन 19 पेज 4.19 और इसमें कांस्टेंट मोशन के कंसेप्ट लगते हैं मल्टीपल कन्सेप्ट लगते हैं कांस्टेंट मोशन के ही मल्टीपल कंसेप्ट लगते हैं सो so, अच्छा क्वेश्चन है एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने रिवीजन करने के लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन को मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ ये दो हैं वेज है प्रिज्म है, है जो कि हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रखे हैं कोई फ्रिक्शन नहीं है इस पर एक सिलेंडर रखा है और ये इस पर स्लाइड कर सकता है लैंग्वेज में आई डोंट नो लिखा है कि फ्रिक्शन लेस हॉरिजनटल फ्लोर लिखा है लेकिन प्रिज्म आर फ्रिक्शन लेस सो यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर भी फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है मीन्स मोशन जो स्मूद है कोई रिस्ट्रेनिंग फोर्सेज नहीं है अलॉन्ग दिस सरफेस इसका मास एम टू है इसका मास एम वन है ये अल्फा है या बीटा है एल्फा प्लस बीटा ऐसे दिया हुआ है मैं नाइन्टी डिग्री मीन्स ये एंगल हमेशा नाइन्टी टाइप दिखेगा सिलेंडर है उसका मास मैं एम थ्री ले रहा हूँ इसमें इसको एम बी लिया है एम ए लिया है इसको एम लिया है प्रॉब्लम में मैं एम वन एम टू एम थ्री ले रहा हूँ अब इस प्रॉब्लम में एक चीज़ का ध्यान रखना है हमें कॉन्स्ट्रेंड मोशन लेना है मीन्स क्या क्या चीज़ गाइड करेंगी मोशन सिंपलेस्ट फॉर्म इसका है जो इरोडव में भी प्रॉब्लम है ये गाइडेड मोशन है ये सिंपलेस्ट फॉर्म है जिसमें वेज ऐसे लगा हुआ है और वेज ऐसे चलता है इसकी वेलोसिटी ऐसे आती है इसमें एडवांटेज ये है कि इसका गाइडेड मोशन है वर्टिकल मोशन है इसका कोई हॉर्जॉन्टल मूवमेंट नहीं है इसका हार्जॉन्टल मूवमेंट है इसका कोई वर्टिकल नहीं है तो कॉन्स्टेंट मोशन से आप सीधा ये क्वेश्चन तो आपने करा होगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे क्या है कि ऊपर वाला फ्री है सिलेंडर इज़ फ्री और अल्फा बीटा अन है एम वन एम टू अनिक्वल है तो जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उस पर रिएक्शन तो लग ही रहा होगा सिलेंडर पर रिएक्शन फोर्स है सपोज़ यहाँ पे एन वन लग, लग रहा है यहाँ पे एन टू लग रहा है एन वन एन टू का हॉर्जोंटल कॉम्पोनेंट अगर इक्वल नहीं है तो सिलेंडर जो है हॉर्जोंटली भी मूव करेगा इसमें अनसिमेट्रिक सिचुएशन है हॉर्जोंटल मूवमेंट जरूर होगा एम वन एम टू अनिक्वल है अल्फा बीटा अन है तो रिएक्शन फोर्सेस जो हैं वो अनिकवल है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हॉरिजॉन्टल मोशन होगा और वर्टिकल मोशन तो हो गई होगा ही होगा फॉल कर रहा है अंडर सम रिस्ट्रेनिंग फोर्स सो इसमें अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोले एक्सेलरेशन इसका ए नहीं हो जी नहीं होगा डिपेंड करेगा एन वन एन टू के वर्टिकल कंपोनेंट पे एनीवे anyway, वे वो हमें नहीं निकालना है अब इसको डायग्राम को थोड़ा सा सिम्प्लीफाई कर लेता हूँ उस पोजीशन के लिए जिस पोजीशन पे ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा है हमें इन दोनों वेलोसिटी का रेशियो निकालना है जब ये सिलेंडर जो है ग्राउंड पे स्ट्राइक कर रहा होगा सो so इसको थोड़ा सा डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो so ग्राउंड पे जब फॉल कर गया तो ऐसा है पहले सिलेंडर बना लीजिए ऐसे ये सिलेंडर का रेडियस है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये ध्यान रखना है कि सिलेंडर ऐसे नहीं फॉल किया है सिलेंडर कुछ ऐसे फॉल किया है ऐसे अगर मैं मान रहा हूँ इसका ड्रिफ्ट इस साइड हुआ है मान रहा हूँ वी ऐसे है और वी वाई ऐसे हैं वर्टिकल फॉल इसके सेंटर ऑफ मास का वी एक्स और वी वाई मैंने ऐसे लिया है तो ये फॉल का डायरेक्शन नहीं है ये फाइनल पोजीशन का मैंने सिर्फ परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ किया है अब ये बीटा एंगल तो चेंज नहीं हुए सो ये जो है ऐसे यहाँ टेंजेंट बना रहा होगा तो वेज यहाँ कहीं पहुँच गया होगा और ये कहीं ऐसे ही इस पर जो है ये एंगल इंटरेस्टिंगली नाइन्टी रहेगा हमेशा ये इस पर अब यहाँ ऐसे पहुँच गया सो so, मेरी फ़ाइनल पोजीशन जो है ये आई इस पोजीशन पे मेरी कुछ वेलोसिटीज़ हैं और मुझे निकालना है ये वेलोसिटी अगर वी टू है ये वेलोसिटी अगर वी वन है और इसकी वेलोसिटी भी होंगी वी एक्स और वी वाई मैं मान रहा हूँ सेंटर ऑफ मास के इसकी तो हमें वो रिलेशनशिप निकालना है वी वन और वी टू के बीच में अब देखिए थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हैं कोई भी हॉर्जोंटल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है तो मीन्स हॉर्जोंटल कॉम्पोनेंट का जो मोमेंटम है इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब ये स्ट्राइक कर रहा है अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ले सकते हैं हर पॉइंट ऑफ टाइम पे हार्जॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम इज़ टोटल मोमेंटम इज़ ज़ीरो क्योंकि नेट हॉर्जोंटल फोर्स नहीं लग रहा है शुरू से आखिर तक इसको कोई हार्जॉन्टल वेलोसिटी पूरे सिस्टम को हमें पूरे सिस्टम को देखना होता है एक को नहीं पूरे सिस्टम को देखना है तो अगर ये वी चल रहा है ऐसे और वर्टिकली वी वाई चल रहा है और ये वी टू उधर चल रहा है वी वन इधर चल रहा है एक तो हम रिएक्शन से लिख सकते हैं सपोज़ ये अगर एन टू है एन टू से मैं एन टू एन वन से इसलिए कर रहा हूँ कुछ क्वेश्चन में एन वन एन टू से ही करना पड़ता है सो जिन बच्चों को उसका हैबिट नहीं है मैं जान पूछ के इसका डायरेक्टली कंजर्वेशन से इक्वेशन लिख सकता हूँ वो ना लिख के ये करके दिखा रहा हूँ सो इसका एक कॉम्पोनेंट है ये वन है तो इधर लग रहा है इस पर एन वन एक्स ऐसे लग रहा है इस पर सॉरी ये ये मेरा वन है ना वन ऐसे लग रहा है और ये टू है ये टू ऐसे लग रहा है और ये वन पे जो है मेरा जो रिएक्शन आएगा इस पर आएगा ऐसे एन वन एक्स इधर आएगा और एन टू एक्स इधर आएगा सिलेंडर पे एन टू एक्स ऐसे लगेगा और एन वन एक्स ऐसे जस्ट इक्वल डिपोजिट लगेंगे तो सिलेंडर का हमने माना है वेलोसिटी इस डायरेक्शन में सो so, इंपल्स वाला इक्वेशन लिख लेते हैं वी एम थ्री वी एक्स इस डायरेक्शन के फोर्सेस देखिए इधर की तरफ आई है, क्योंकि मैंने वेलोसिटी इस डायरेक्शन में लिया है सो एन टू एक्स इस डायरेक्शन में है और एन वन सिलेंडर पे उस डायरेक्शन में लग रहा है माइनस एन वन एक्स इन टू डी टी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये रिलेशनशिप है सिमिलरली मैं इसके लिए लिख लेता हूँ एम टू वी टू एम टू वी टू वी टू उस डायरेक्शन में है और इस पर रिएक्शन अगर एन टू एक्स इधर लग रहा है तो उस पर एन टू एक्स उधर लगेगा इज इक्वल टू एन टू एक्स इन टू डी टी एंड एम वन वी वन इज एन वन एक्स डी टी मैंने एन वन एन टू उल्टे तो नहीं रख दिए एक बार चेक कर लेना देख लेता हूँ मोमेंटम से रिजल्ट माइनस कर लिया सो एम टू वी टू माइनस एम वन वी वन इज इक्वल टू एम थ्री वी एक्स एम थ्री वी एक्स के साथ जो है एम थ्री वी एक्स के साथ अगर आप सीधा मोमेंटम भी लिखते इस डायरेक्शन में मोमेंटम क्या है एम थ्री वी एक्स और इस डायरेक्शन में क्या है प्लस एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू मोमेंटम से ये इक्वेशन आती ना सेम आ गई एम टू वी टू इज एम थ्री वी एक्स प्लस एम एम वन वी वन एक ही चीज़ है मैंने इसको ऐसे लिख दिया सो so ये तो एक इक्वेशन है आप इमीडिएटली लिख लोगे अब देखिए जब ये टच कर रहा है तो इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कहीं भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहे हैं और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे वन है यहाँ पे टू है और अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वन और टू यहाँ पे आ गए हैं आप ध्यान दीजिए सिलेंडर पे कोई भी टॉर्क नहीं लग रहा है क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस है सो सिलेंडर रोटेट नहीं करेगा अपनी एक्सिस पे अगर सिलेंडर रोटेट नहीं करेगा एक्सिस पे तो वन और टू का जो स्पेस में पोजीशन है वो चेंज नहीं होगा रिलेटिवली मींस अगर वन और अगर स्पेस में देख रहा हूँ अगर वन यहाँ था और टू यहाँ था तो क्योंकि ये रोटेट नहीं हो रहा है तो कहीं पे भी आएगा वन और टू ऐसे ही रहेंगे मीन्स वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन वन एंड टू विल नॉट चेंज सो वर्टिकल डिस्टेंस वन और टू का चेंज नहीं हो रहा है मीन्स ये जो है मेरा जो विलासिटी है सपोज यहाँ पे वी वाई है तो यहाँ पे भी वी वाई होगा ना क्योंकि वन और टू का जो रिलेटिव पोजिशन है वर्टिकली वो चेंज नहीं हो रहा है सो so, जिस विलासिटी से जो सेंटर ऑफ मास का जो वी वाई वर्टिकल है वही इसका वर्टिकल है वही इसका वर्टिकल है क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है अगर रोटेट कर रहा होता तो वन और टू का वर्टिकल विलासिटी मुझे अलग लेना पड़ता उस पॉइंट का क्योंकि कोई मोशन नहीं है सेंटर के अबाउट वन और टू का और सिलेंडर डिफॉर्म नहीं हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास की अगर वी है सो वन और टू की भी वर्टिकल कॉम्पोनेट वालासिटी वी ही रहेगी सो so एक तो ये पॉइंट हो गया हमें वी वाई वी वाई इस पॉइंट ऑफ टाइम में वन और टू की वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई है अब ध्यान से देखिए मेरा ये पॉइंट इसके ऊपर चल रहा है ये पॉइंट इसके ऊपर चल रहा है और ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है और है इधर आ रहा है वी एक्स सो अगर मैं इस प्रिज्म को देखूं, अगर ये सिलेंडर नहीं चल रहा होता तो तो बहुत आसान था ये जो मेरा वी वाई चला क्योंकि ये तो कॉन्स्टेंट है ना ये शेप ऐसी रहेगी ये शेप भी डिफॉर्म नहीं हो रही अगर ये ऐसे चलता वी वाई मीन्स वाई डिस्टेंस चलता उस शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम में ऐसे ही तो चलता उस शॉर्ट पॉइंट ऑफ टाइम में और ये उधर को स्लाइड करता ये टी ये हो गया वी वन टी ऐसी शेप आती लेकिन जब ये वी वन टी चला सिलेंडर इधर चला इसी शेप के ऊपर चला लेकिन सिलेंडर जो है इस डायरेक्शन में वी एक्स चला तो ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है अगर ये वाला डिस्प्लेसमेंट वी वाई टी है सो ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों ऐड होगा अपोजिट डायरेक्शन है अपोजिट डायरेक्शन में सो रिलेटिव मोशन ऐड हो रहा है सो so ये हॉरिजॉन्टल वाला पॉइंट टू का जो रिलेटिव मोशन है इस कॉन्स्टेंट शेप पे दिस इज़ वी एक्स प्लस वी टू इंटू टी एंड दिस इज़ बीटा सो टेन बीटा इज इक्वल टू वी वाई अपॉन वी एक्स प्लस वी टू सिमिलरली दूसरे वाले इक्वेशन लिखता हूँ दूसरे प्रिज्म के लिए वहाँ पे ऐसे चल रहा है ये पॉइंट नीचे आ रहा है उसकी वेलोसिटी वी वाई है अब देखिए रिलेटिव मोशन कम हो गया ना ये चला वी वन टी लेकिन ये वी एक्स चल गया इस डायरेक्शन में सपोज वी वन बड़ा है वी नेचुरली इस नीचे स्लाइड इधर को शिफ्ट हो रहा है पूरा सिस्टम वी वन ज़्यादा चला होगा वी एक्स से वी एक्स तो पार्शली चल रहा है एज़ कम्पेयर टू वी वन अब उल्टा भी ले सकते हैं रिजल्ट माइनस में आ जाएगा सो so, ये चला इधर और ये भी चला इधर सो रिलेटिव मोशन यह माइनस हो जाएगा ना v1 वन माइनस वी एक्स टी हो जाएगा ना उधर ऐड हो गया तो रिलेटिव मोशन इस कांस्टेंट शेप पे, यही इस क्वेश्चन का मेन की पॉइंट है ये एंगल है अल्फा, सो टेन एल्फाइज वी वाई अपॉन वी वन माइनस वी एक्स टी टी कैंसिल हो गया वी वाई को इक्वेट कर दीजिए सो आई एम गेटिंग इक्वेशन वी एक्स प्लस वी टू इंटू टेन बीटा इज इक्वल टू वी वन माइनस वी एक्स इंटू टेन एल्फा सो वी वन वी टू के टर्म्स में कर लेते हैं इसे, सो इट इज़ वी टू टेन बीटा वी टू टेन बीटा इसको ऐसे करते हैं वी एक्स इधर ले आते हैं वी uh, एक्स टेन एल्फ़ा प्लस टेन बीटा एक्स इधर ले गए सो इज इक्वल टू वी वन टेन एल्फ़ा माइनस वी टू टेन बीटा ये इक्वेशन आ गया दो इक्वेशन आ गई अब देखो ये मेरा आ गया उल्टा करके लिखते हैं वी वन टेन एल्फा माइनस वी टू टेन बीटा इज इक्वल टू वी एक्स टेन एल्फ़ा प्लस टेन बीटा कुछ नहीं है बस ट्रिग्नोमेट्री है और ये है माइनस एम वन वी वन प्लस एम टू वी टू इज इक्वल टू एम थ्री वी एक्स अब बस इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन है वी एक्स के टर्म्स में निकाल के देखते हैं इसको अगर मैं टेन अल्फा से मल्टीप्लाई करूं और इसको मैं मल्टीप्लाई करूं एम वन से तो मेरा जो रिलेशनशिप आएगा v2 ये तो कैंसिल हो जाएगा वी टू एम टू इंटू टेन एल्फ़ा माइनस माइनस इसको मैंने m1 से मल्टीप्लाई कराया ये हो गया m1 वन टेन बीटा चेक करके देख लीजिए ऐसे ही आएगा क्या इसको m1 से किया इसको tan अल्फा से किया m2 tan टेन एल्फ़ा माइनस एम वन टेन बीटा इज इक्वल टू इसको मैंने किस से किया था tan अल्फा से वी एक्स कॉमन ले लेता हूँ और ये मैं इक्वेशन ऐड कर रहा हूँ एम थ्री टेन एल्फ़ा प्लस इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया था एम वन से किया था ना होल इक्वेशन को प्लस एम वन टाइम्स टेन एल्फ़ा प्लस टेन बीटा थोड़ा लेंथी इक्वेशन आ रहा है ये इक्वेशन आ गया ऐसी इक्वेशन मैं वी वन का लिख लेता हूँ मैं वी वन का लिखता हूँ तो वी टू को एलिमिनेट करूँगा इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा Uh, मैं V2 को एलिमिनेट करूँगा ना तो इसको M2 से मल्टीप्लाई करूँगा उसको tan बीटा से सो इट इज़ ये एलिमिनेट हो गया इसको मैंने मल्टीप्लाई किया M2 से सो so M2 tan टेन एल्फ़ा माइनस इसको मैंने मल्टीप्लाई किया tan बीटा से M1 tan बीटा देखो सेम आ गया इज़ इक्वल टू वी एक्स और इसको मैंने मल्टीप्लाई किससे किया था क्योंकि शॉर्ट करके कर रहा हूँ ना मैंने वी टू को एलिमिनेट किया तो टेन अल्फा से मल्टीप्लाई किया ना मैंने टेन अल्फा से मल्टीप्लाई किया सॉरी टेन बीटा से मल्टीप्लाई किया तभी तो वी टू एलिमिनेट हो रहा होगा टेन बीटा से मल्टीप्लाई किया सो एम थ्री वी एक्स एम थ्री टेन बीटा प्लस ये उल्टा क्यों आ रहा है कहीं पे कुछ छूट तो नहीं गया और इसको मैंने मल्टीप्लाई किया किस से इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था एम टू से एम टू टेन एल्फा प्लस टेन बीटा और अब मैं रेशो ले ले लेता हूँ सो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे सो v2 टू अपॉन वी वन भी कैंसिल हो गया ये हो गया m3 टेन अल्फा प्लस एम वन टेन अल्फा प्लस टेन बीटा अपॉन अपॉन एम थ्री टेन बीटा टेन बीटा प्लस एम टू देख लीजिए मेरे को मल्टीप्लाई करने में मैंने क्योंकि शॉर्ट करने की कोशिश की है दिमाग में तो कई बार गलती हो जाती है ये मेरा आ रहा है ऐसे रेशो अब देखते हैं इसमें आंसर किस तरह से दिया हुआ है आंसर क्या दिया है एम टेन बीटा एम थ्री टेन बीटा इसने लिखा है वेलोसिटी ऑफ अब इसने ऊपर वाली विलोसिटी कौन सी ली है इसने रेशो किसका पूछा है रेशो पूछा है रेशो ऑफ स्पीड ऑफ प्रिज्म ए इसने वी वन अपॉन वी टू मैंने वी टू अपॉन वी वन लिखा है सो वी वन वो वी टू इसने वी वन अपॉन वी टू पूछा है मैंने वी टू अपॉन वी वन निकाल दिया सो वी वन अपॉन वी टू होगा एम थ्री मीन्स एम ऊपर है टेन बीटा प्लस एम बी मीन्स एम टू टेन एल्फ़ा प्लस बीटा नीचे है एम थ्री मीन्स एम टेन एल्फ़ा प्लस एम ए इज़ एम वन टेन एल्फ़ा प्लस बीटा ये हमारा जो है इसमें जो भाई ये वैल्यू पुट अप करेंगे इसमें क्या वन इसमें शायद वैल्यूज़ भी दी होंगी ना इस क्वेश्चन में शायद वैल्यूज़ रख के आंसर निकाला होगा वन दिया हुआ है हाँ ये वेट वे वगैरह भी दिया है एम वन एम टू एम थ्री सब वेट लगा के वी टू ओपन वी वन इसका वन आ रहा है या वी वन ओपन वी टू इसका वन आ रहा है तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा बस यहीं पे कैच है इस प्रॉब्लम में ये बाकी मोमेंटम वगैरह तो आप एक्सपर्ट हैं